फ्रॉम मी, वो मेरे से ज़्यादा दूर नहीं थी। आई हैड रिक्यूज हर वेन शी वॉज ए किटन, मैंने उसे बचाया था जब वो एक बच्ची थी, छोटी थी। एंड सम हाउ शी न्यू दैट आई वॉज द वन ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ, तो तब से वो जानती है कि मैं ही जिम्मेवार हूँ उसे अच्छी ज़िंदगी देने के लिए। माई मदर केप्ट स्टॉकिंग द फायर टू कीप हाउस नाइस एंड वार्म, मेरी माँ आग को जलता रख रही थी घर को गर्म रखने के लिए। सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज, तो मुझे अजीब सी स्मेल आने लगी। एंड आई नोटिस इट, तो मैंने नोटिस किया स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ सीलिंग, कि छत से धुआं बाहर आ रहा है। The smoke began to fill the room so quickly that we could barely see. तो थोड़े ही समय में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से रूम में इतना स्मोक भर गया कि हम कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। Groping our way to the front door, तो हमने फ्रंट डोर की तरफ अपना रास्ता देखा। We all run out into the front yard, हम बाहर चले गए। By the time we made our way outside, जब हम बाहर गए, the whole roof was engulfed in the flames and it was spreading quickly. तो हम बाहर जाके हमने देखा कि हमारे घर की जो छत है वो लाटों में आग की जो फ्लेम्स होती हैं उसमें घिर चुकी है और ये बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। आई रन टू द नेबर टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट, तो मैं दौड़ के पड़ोस में गया और कॉल फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने को बोला। वाइल आई वॉच माई मदर रन बैक इन टू द हाउस, तभी मैंने देखा कि मेरी माँ दोबारा दौड़ के घर के अंदर चली गई। माई मदर देन रन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग ए स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, तो मेरी माँ दौड़ती हुई घर के अंदर से एक मेटल बॉक्स उठा के लाती है जिसमें इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। शी ड्रॉप द केस ऑन द डॉन लॉन, वो लॉन में उस डॉक्यूमेंट्स के वाले के बॉक्स को रख देती है। इन क्रेज स्टेट और पागलों की तरह रन बैक इन टू द हाउस, तो फिर दोबारा घर में दौड़ जाती है। आई न्यू वट सी वॉज आफ्टर, मैं जानता था कि वो क्या लेने गई है। माई फादर हैड डाइड वेन आई वॉज जंग, मेरे फादर मर गए थे जब मैं छोटा था। आई वॉज सर्टन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर एंड लेटर गो अप इन फ्लेम्स, मैं जानता था कि वो मेरे फादर की फोटो और उनके जो लेटर हैं उन्हें आग में नहीं जलने देना चाहती। देवर द ओनली थिंग्स दैट शी हैड टू रिमेंबर हिम बाय, क्योंकि वही यही चीज़ें थी जिनकी वह जिनसे वो उन्हें याद करती थी। स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर मॉम नो, मैं चिल्लाता रहा मॉम नहीं। आई वॉज अबाउट रन आफ्टर हर, मैं दौड़ने ही वाला था उसके पीछे। वेन आई फेल्ट ए लार्ज हैंड होल्ड मी बैक, तो एक बड़े से हाथ ने मुझे पकड़ लिया। इट वॉज फायरमैन, ये फायरमैन था। आई डिड नॉट इवन नोटिस दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विद द फायर ट्रक्स, मैंने ये नोटिस ही नहीं किया कि गली में बहुत से फायर ट्रक आ चुके हैं, आग बुझाने वाली गाड़ियाँ आ चुकी हैं। आई वॉज ट्राइंग टू सी माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रैप येलिंग, मैं उनसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर इज इन देयर, तुम नहीं समझते कि मेरी माँ वहाँ है। ही होल्ड ऑन मी वाइल अदर फायर फाइटर्स रन इन टू द हाउस, उसने मुझे पकड़ के रखा और दूसरे फायर फाइटर से वो घर के अंदर चले गए। ही न्यू दैट आई वॉज नॉट एक्टिंग वेरी लॉजिकली एंड दैट इफ ही वर टू लेट गो आई वुड रन, ही वॉज राइट, वो जानते थे कि मैं ज़्यादा समझदारी से ये काम नहीं ले रहा, अगर उन्होंने मुझे छोड़ दिया मैं दौड़ जाऊँगा, वो सही थे। इट्स ऑल राइट दे विल गेट हर ही सैड, तो उसने उसे कहा सब कुछ ठीक है वो उसे ले आएंगे। ही रैप्ड ए ब्लैंकेट अराउंड मी, उन्होंने मेरे आस पास एक कंबल मुझे कंबल में लपेट दिया। एंड सेट मी डाउन इन द आवर कार, और मुझे मेरी कार में बिठा दिया। सून आफ्टर दैट फायरमैन इमर्ज्ड एंड
आवर हाउस विद